चलते हैं इस पर फोकस पर। सबसे पहले रेड लिटमस, ठीक है, इस टेबल से आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। रेड लिटमस का कलर रेड, ठीक है, एसिड में इसका कलर रेड का रेड ही रहेगा, बेस में इसका कलर ब्लू हो जाएगा, क्लियर। ब्लू लिटमस इसका कलर कैसा होता है, ब्लू लिटमस का ब्लू कलर, एसिड में इसका कलर रेड हो जाएगा, बेस में इसका कलर ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। इसको याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, बता देता हूं मैं आपको, बी ए आर क्या बन गया, बार, बी से ब्लू, आर से रेड, ए से एसिड, मतलब एसिड जो है ब्लू लिटमस का कलर कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं, बी ए आर, एसिड ब्लू लिटमस का कलर कैसा करेंगे, रेड। इसी तरह से आर बी बी, ठीक है, आर से रेड लिटमस, ब्लू से ब्लू लिटमस, बी से बेस, बेस रेड लिटमस का कलर कैसा करेंगे, ब्लू कर देंगे। तो ये दो चीजें सीक्वेंस में आप याद रख लेना, बार एंड आर बी बी, ठीक है, इससे आपको याद रखने में आसानी रहेगी क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक होंगे। इसी तरह से कोई ना कोई सीक्वेंस बनाकर आप चीजों को लर्न करेंगे। इसी तरह से टर्मरिक, टर्मरिक का कलर येलो, एसिड में इसका कलर येलो का येलो ही रहेगा, बेस में इसका कलर ऑरेंज या रेड हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने बताया था रेड कैबेज, रेड कैबेज का कलर रेड होता है, एसिड में कलर रेड का रेड ही रहेगा, बेस में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। रोज पेटल्स, ये भी रेड कलर की होती हैं, एसिड में इसका कलर रेड का रेड ही रहेगा, बेस में ग्रीन हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कलर चेंजेस जो है वो आप याद रखेंगे। अब आ जाइए सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। पहला एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, स्पेलिंग भी ध्यान से देख लेना, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, और इसका कलर कैसा होगा, ऑरेंज, ठीक है, और बेस में इसका कलर हो जाएगा, सॉरी एसिड में इसका कलर हो जाएगा रेड, बेस में इसका कलर हो जाएगा येलो। इसी तरह से फिनोक्टिलिन, फिनोक्टिलिन कलर लेस होता है, बिल्कुल वाटर जैसा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एसिड में इसका कलर कैसा रहेगा, कलरलेस, ठीक है, और बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक, ठीक है। और इसको भी हम एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं, जैसे बहुत गर्मियां हैं, गर्मी में अगर आप एसी में बैठोगे, ठीक है, अगर आप एसी में रहोगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, मतलब क्या है, फिनोक्टिलिन, फिनोक्टिलिन के बारे में ध्यान रखना ये, ठीक है, अगर हम एसी में रहेंगे तो हमारा बीपी नॉर्मल रहेगा, मतलब एसिड का कलर जो है, एसिड जो है उसमें फिनोक्टिलिन का कलर कैसा रहेगा, कलरलेस, और बेस में कैसा हो जाएगा, पिंक, ठीक है। ए सी बी पी, एसिड में कलर कलरलेस, बेस में पिंक, मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस बनाकर आप इनको याद रख लोगे क्योंकि कई सारे टॉपिक हो जाते हैं, मैंने इस तरह से बना रखा है, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ऑनियन जूस, ऑनियन जूस एंड क्लोव ऑयल एंड वेनिला, दीज आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हुज स्मेल गेट चेंज व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड टू देम, ठीक है, इनकी स्मेल जो है, हर एक में स्मेल होती है, कलर का नहीं लिखेंगे इसमें हम, ऑनियन जूस, क्लोव ऑयल, वेनिला, हर एक में स्मेल होती है, एसिड में इनकी स्मेल डू नॉट गेट चेंज, स्मेल चेंज नहीं होगी, बेस में सभी में इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो ये सारे के सारे एसिड बेस इंडिकेटर थे, तीनों टाइप के नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, दीज आर द मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर हुज कलर गेट चेंज व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड टू देम। सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स, दीज आर द एसिड बेस इंडिकेटर्स हुज कलर गेट चेंज व
व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड टू देम दे आर मैनमेड, ठीक है, एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दीज आर द एसिड बेस इंडिकेटर हुज स्मेल गेट चेंज व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड टू देम। इसी तरह से आपको सभी के सभी इनमें कलर चेंजेस या स्मेल चेंजेस लर्न रखने हैं। तो ये एसिड बेस्ड इंडिकेटर का टॉपिक था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, वो एसिड जिनमें वाटर की अमाउंट लेस होती है उनको हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ये ध्यान रखना कि हर एक एसिड के अंदर वाटर जरूर प्रेजेंट होगा, हर एक एसिड के अंदर, लेकिन जिस एसिड में वाटर कम से कम है, ठीक है, एसिड की परसेंटेज ज्यादा है, ऐसे एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड कहेंगे। और जो कंसंट्रेटेड एसिड है दे आर हाईली कोरोसिव इन नेचर, बहुत ज्यादा कोरोसिव होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड। दोज एसिड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लेस एंड दे आर नोन एज कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड वो एसिड जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है दे आर नोन एज डाइल्यूट एसिड, उन्हें हम डाइल्यूट एसिड कहेंगे। जिस तरह अगर हमारे पास एक शुगर सॉल्यूशन है, हमने एक गिलास पानी के अंदर 8 चम्मच चीनी डिजोल्व कर रखी है, तो वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया तो अब ये क्या बन गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट बना सकते हैं, किस तरह से, बाई एडिंग वाटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी हम एसिड में वाटर ऐड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास एसिड है, दूसरे में वाटर है, कभी भी वाटर को हम एसिड में नहीं डालेंगे, बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी बहुत ज्यादा। जैसे ही हमने एसिड के अंदर वाटर डाला वैसे हीट रिलीज होगी, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल गर्म हो जाएगी और गर्म होकर फट सकती है, नुकसान हो सकता है। इसीलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना। फिर हम कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे, अभी तो हमने ये कह दिया कि हम कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालेंगे, हम इसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट क्या करेंगे, हम लार्ज अमाउंट में वाटर लेंगे और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद बूंद करके एसिड डालेंगे, ठीक है। ऐसा करने से जो हीट रिलीज होगी वो लेस होगी और कोई भी एक्सीडेंट का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन बने जो कि एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ अ कंसंट्रेटेड एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। आंसर में हम क्या लिखेंगे, बाय एडिंग द एसिड ड्रॉप वाइज इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड कॉन्स्टेंटली स्टेरिंग इट। लार्ज अमाउंट में हमने वाटर लिया, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप या वेरी स्लोली हम एसिड डालेंगे और कॉन्स्टेंटली उसे स्टिर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। इस तरह से हम कंसंट्रेटेड जो एसिड है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं। इसके बाद व्हाई वाटर शुड नेवर बी एडेड टू एसिड, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कभी भी हमें एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए, ऐसा क्यों है। हम आंसर में क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, इट विल बॉइल द वाटर, वाटर एकदम बॉइल हो जाएगा, वाटर वेपर्स आर फॉर्म्ड एंड अलोंग विद वाटर वेपर्स स्प्लैश ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड विच मे हार्म अस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बिल्कुल गर्म तेल है कढ़ाई के अंदर, बिल्कुल गर्म, खोलता हुआ, उबलता हुआ, ठीक, ध्यान रखना जो उबलता हुआ तेल है उसका टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है, बिल्कुल उबलता हुआ तेल है कढ़ाई के अंदर, ठीक है। उसमें जो है थोड़ी सी अमाउंट में वाटर डल गया, हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, आपने देखा भी हुआ एकदम क्या होगा, छींटे आएंगी, इस तरह की आवाज होती है, और वाटर जो है एकदम जैसे उसके अंदर डलेगा वाटर की तो बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि तेल का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो जाता है, वाटर एकदम बॉयल होगा, उसके वेपर बनेंगे, वेपर कहां भांगते हैं, ऊपर की साइड, एकदम ऊपर की साइड आएंगे, अपने साथ ऑयल को भी लेकर आएंगे और वो ऑयल हमारे ऊपर गिर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है,
ठीक है, सेम यही बात एसिड के केस में होगी। जैसे ही हमने एसिड के अंदर वाटर डाला, वाटर एकदम बॉइल होगा, वाटर के वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ऊपर भागेंगे, अपने साथ एसिड को भी लेकर आएंगे, और एसिड का जो स्प्लैश होगा, ऊपर एकदम आया है एसिड, वो हमारे ऊपर गिर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सो कभी भी जो एसिड है उसके अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। हमेशा हम क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट में वाटर लेंगे और उसके अंदर बूंद बूंद करके हम ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे, उसको कॉन्स्टेंटली स्टिर करते रहेंगे। इससे जो हीट रिलीज होगी वो लेस अमाउंट में होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है वो एक तरह से कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड के ऊपर बेस्ड है। एक बात और ध्यान रखना, किसी भी एसिड को हम कंसंट्रेट एंड डाइल्यूट कर सकते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग या वीक का नहीं है। एक मतलब जो कोई भी एसिड है, H2SO4 है, HNO3 है, एसिटिक एसिड है, हर एक एसिड जो है आपकी लैब में दो फॉर्म में रखे जाते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। किसी भी एसिड को हम डाइल्यूट बना सकते हैं बाई एडिंग वाटर टू इट। तो ये कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड का टॉपिक था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक तरह से एसिड बेस इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर। मैंने आपको एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में बता दिया था, वो सब्सटेंस जिनका कलर चेंज हो जाएगा जब हम उनमें एसिड या बेस डालेंगे। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस एसिड है और ये बेस है। लेकिन हमें ये पता करना है कि जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है, मतलब हाईली कोरोसिव है या लेस कोरोसिव है, उसका पता कैसे करेंगे हम। इसके लिए एक तरह से हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है एक तरह से यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये एक डाई है, बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके हमने क्या बनाया है, यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर। और इसका कलर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर। इट इज द मिक्सचर ऑफ मेनी कलर डाइज एंड द कलर ऑफ यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर इज चेंज व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड टू देम अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। अब यहां पर मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें हम ये देखेंगे कि एसिड या बेस डालने पे किस तरह से कलर चेंज होता है। यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ मैनी डाइज, बहुत सारी डाइज का मिक्सचर है, कलर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, एंड इट्स कलर गेट चेंज्ड व्हेन एसिड और बेस आर एडेड टू देम। इसी से ही हम पीएच पेपर बनाते हैं। हमने सिंपल फिल्टर पेपर लिया और यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, क्या बन जाएगा, पीएच पेपर। ठीक है, पीएच पेपर पे हम कोई भी सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। लिटमस पेपर जैसा ही पीएच पेपर होता है, इसका कलर क्रीमिश होता है, क्रीम कलर का होता है। ठीक है, और इसमें हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमने डाला है पीएच पेपर पे, तो पीएच पेपर का कलर रेड हो जाएगा, कलर याद रखना। ठीक है, अगर सिर्फ एसिडिक है तो इस पीएच पेपर का कलर ऑरेंज हो जाएगा। अगर वीक एसिड है, लेमन जूस जैसा, ठीक है, तो पीएच पेपर का कलर येलो हो जाएगा। अगर हमारा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है, ना एसिड ना बेस, तो इस पीएच पेपर का कलर ग्रीन हो जाएगा। कलर याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड में कलर रेड, ठीक है, और इस के बाद सिर्फ एसिडिक है तो ऑरेंज, वीक एसिड है तो येलो, न्यूट्रल है तो कलर कैसा हो गया, पीएच पेपर का ग्रीन। अगर वीक बेस है तो इसका कलर लाइट ब्लू, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सिर्फ बेसिक है तो कलर ब्लू, और स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच पेपर का कलर कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू या
वॉयलेट। ठीक है, तो पीएच पेपर से हमें एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पता चल गई कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ठीक है, इस तरह के सब्सटेंसेस को हम एसिड यूनिवर्सल एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं, विच शो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। इसमें खास बात क्या है, इसने एसिड की हमें या बेस की हमें स्ट्रेंथ बताई है कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, और इसी से क्या बनाया जाता है, पीएच पेपर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या बात है, एक कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, जिस एसिड में बहुत ज्यादा अमाउंट में एच पॉजिटिव आयन है उसको हमने डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने से एच पॉजिटिव आयन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपने नींबू पानी बनाया। ठीक है, उस नींबू पानी के अंदर आपने दो चीजें डाल दी हैं सिर्फ, मतलब पानी और सिर्फ चीनी दी। ठीक है, एक गिलास पानी के अंदर आपने 8 चम्मच चीनी डिजोल्व कर ली। ठीक है, और एक तरह से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, आपने उसके अंदर 2 गिलास पानी और डाल दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन, जब हमने उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड किया, देन व्हाट विल बी द चेंज इन अमाउंट ऑफ शुगर। शुगर की अमाउंट में क्या चेंज आएगा, शुगर की अमाउंट कम होगी, ज्यादा रहेगी, सेम रहेगी, शुगर की अमाउंट सेम रहेगी। ठीक है, हमने पानी तो और डाला है, शुगर 8 चम्मच थी और पानी डालने के बाद भी क्या रहेगी, 8 चम्मच ही रहेगी। क्या चीज कम हो गई, शुगर की कंसंट्रेशन कम हो गई। पहले 8 चम्मच शुगर जो है वो 1 गिलास पानी में थी, 1 गिलास पानी और डाल दिया, अब 8 चम्मच शुगर जो है वो 2 गिलास पानी में। इसी तरह से जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो जो एसिड के अंदर एच पॉजिटिव आयन है उनके नंबर सेम रहेंगे। नंबर का है ध्यान रखना, उन नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन एसिड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से एसिड की स्ट्रेंथ कम हो गई, अब वो वीक हो गया। ये बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। एक तरह से क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड, जब हम एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा। हम ये लिखेंगे आंसर में, द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल रिमेन सेम बट द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल गेट डिक्रीज्ड, एसिड की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम बेस के अंदर वाटर डालते हैं, अगर हम बेस को डाइल्यूट करते हैं उसमें भी बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, द OH नेगेटिव आयन विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो बेस को भी जब हम डाइल्यूट करेंगे तो सेम वही रहेगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन विल रिमेन सेम बट कंसंट्रेशन गेट डिक्रीज, बेस जो है उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, अब वो लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन के ऊपर ये असर होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पीएच के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्या होता है पीएच, इसको समझ लीजिए आप। एक तरह से पीएच क्या है इसको समझेंगे, व्हाट इज पीएच। पीएच जो है वो एक जर्मन वर्ड है, पी का मतलब पोटेंश, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने सबसे पहले पीएच का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं यहां बोर्ड के ऊपर लिखूंगा, आप इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि ये डेफिनेशन 11th या 12th में यूज होती है, लेकिन ये बिल्कुल पीएच की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ये है पीएच, ध्यान से देखना, इसमें पी स्मॉल है, एच कैपिटल है। पी का मतलब पोटेंश, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंश, पोटेंश का मतलब होता है पावर। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन इन ए सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन के अंदर कितने एच पॉजिटिव आयन है या हाइड्रोनियम आयन है इसको हम क्या कहेंगे, पीएच कहेंगे। आपको ये डेफिनेशन
लर्न रखनी है, ठीक है। अब वो डेफिनेशन जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, व्हाट इज पीएच, इट इज नेगेटिव लॉगरिथम या लोग लिखते हैं ऑफ एच पॉजिटिव आयन इन ए सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑन द बेस 10 एच पॉजिटिव आयन। ये लॉगरिथम जो है वो एक टेबल होती है, जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है, आपने मैथ में पढ़ी होगी साइन कॉस टेन की, उसी तरह से लॉग टेबल होती है, ठीक है। जो 11वीं 12वीं की बुक्स है उसमें बिल्कुल लास्ट में जो है लॉग टेबल होती है, ठीक है, उससे इसको हम यूज करते हैं। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, आपको ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, अगर आप चाहें तो सिर्फ ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब पीएच का इस्तेमाल जो है वो तीन तरीके से होता है। एक तो मैंने बता दिया था आपको, पीएच पेपर जिसका कलर चेंज हो जाएगा जो है जब हम उसमें एसिड या बेस डालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ। एक होता है पीएच स्केल और एक होता है पीएच मीटर। पीएच स्केल देख लीजिए, ये मेन है। पीएच स्केल जो है सिंपल स्केल है और इसके ऊपर इस तरह का स्केल 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। कहां से 0 से लेके 14 तक, बीच में कितना आ गया 7। अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसका पीएच 0 से लेके 6.9 है तो वो एसिड है, ठीक है। एसिड का पीएच कितना होगा 0 से लेके 6.9, और अगर उसका पीएच 7.1 से लेके 14 तक है तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। 7.1 से लेके 14 तक ये बेस और 0 से लेके 6.9 तक एसिड, और अगर पीएच 7 है तो वो सब्सटेंस कैसा है, न्यूट्रल। याद रहेगी बात, बिल्कुल माइंड में फीड करके रखना, अगर पीएच 0 से लेके 6.9 तक है तो वो क्या होगा, एसिड, ठीक है, और अगर पीएच 7.1 से लेके 14 तक है तो वो क्या होगा, बेस, और अगर पीएच जो है वो 7 है तो सब्सटेंस कैसा होगा, न्यूट्रल। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना, पीएच जितना कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। लेस पीएच, याद रखना ये सीक्वेंस बिल्कुल, अगर पीएच कम है वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, लेस पीएच मोर एसिडिक, ठीक है। जैसे आपके सामने जो है तीन सॉल्यूशन दे दिए मैंने, ए बी सी, ए का पीएच कितना है 2 है, बी का पीएच 1.5 है, सी का पीएच 4.5 है। मैंने आपसे पूछा इनका नेचर क्या होगा, आप कहोगे सभी क्या है नेचर में, एसिडिक है, क्योंकि सभी का पीएच 6.9 से कम है। मैंने पूछा कि इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसका पीएच सबसे कम वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड होगा, बी वाला होगा जिसका पीएच 1.5। क्लियर सभी को। इसी तरह से बेस में ध्यान रखना, जितना ज्यादा पीएच मोर पीएच वो सब्सटेंस कैसा होगा, मोर बेसिक होगा। पीएच ज्यादा सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जैसे हमारे पास तीन सॉल्यूशन दे दिए पी क्यू आर, ठीक है, इसका पीएच 8, इसका पीएच 13.2, आर का पीएच जो है वो है 9.8, ठीक है। मैंने पूछा आपसे तीन में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक वो मोर बेसिक मोर पीएच, जिसका पीएच सबसे ज्यादा है, क्यू वाला जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो क्लियर सभी को। इस तरह से इसको हम पीएच स्केल कहेंगे। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक रीडिंग होती है। जो एसिड होता है उसका पीएच 0 से लेके 6.9 तक, बेस का पीएच 7.1 से लेकर 14 तक। जितना ज्यादा पीएच होगा उतना ही ज्यादा वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, पीएच जितना लेस होगा उस वो सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी के ऊपर बेस्ड, कि अगर हम एक एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, इसको भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, और इसको आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन
एसिड इज डाइल्यूटेड। एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन विल रिमेन सेम। एच पॉजिटिव आयन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल गेट डिक्रीज। एसिड को डाइल्यूट करने पे एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पीएच पे क्या असर पड़ेगा? ध्यान रखना, पीएच विल गेट इंक्रीज। पीएच इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो गया? बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड गेट डिक्रीज। ये बात ध्यान रखना भी हमेशा, ठीक है भाई। जब हमने एक एसिड को डाइल्यूट किया तो एसिड कैसा हो गया? वीक हो गया। उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई, ठीक है। और हमें पता है जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीएच उतना ही लेस होता है, ठीक है। अब वाटर ऐड करने पर हमारा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग के बजाय वीक हो गया, तो उसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह का ये जो है पूरे के पूरे चार सीक्वेंस वो आपको लर्न होने चाहिए। इसी तरह से व्हाट हैपन्स व्हेन बेस इज डाइल्यूटेड। अगर हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले जब हम बेस को डाइल्यूट करेंगे, फर्स्ट इफेक्ट नंबर ऑफ बेस के अंदर कौन से आयन्स होते हैं? OH नेगेटिव आयन। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन विल रिमेन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विल गेट डिक्रीज्ड। कंसंट्रेशन जो है OH नेगेटिव आयन की वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। थर्ड इफेक्ट क्या पड़ेगा? थर्ड इफेक्ट पीएच जो है, पीएच विल गेट डिक्रीज। पीएच कम हो जाएगा और बेस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस विल गेट डिक्रीज। लेस बेसिक हो गया वो, लेस बेसिक का पीएच भी क्या होता है? लेस होता है। तो ये जो टॉपिक है इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन जो एमसीक्यू है उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू एसिड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन समझ लीजिए, हमारे पास जो है एसिड है, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमने एसिड ले रखा है, हमने इसमें थोड़ा सा 5 ग्राम के आसपास थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, ठीक है। अब क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे? हमें पता है एसिड के अंदर कौन से आयन्स होते हैं? एच पॉजिटिव आयन। जब हम इसमें बेस डालेंगे तो एच पॉजिटिव आयन के नंबर के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ध्यान से देखना, एसिड में एच पॉजिटिव आयन थे, बेस में कौन से आयन थे? OH नेगेटिव आयन। कंबाइन होकर क्या बन गया? H2। मतलब जब हम एसिड के अंदर बेस ऐड करेंगे तो एच पॉजिटिव आयन के नंबर कम हो जाएंगे। पहला चेंज क्या आएगा? द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल गेट डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो गया? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉटर। एसिड के अंदर कौन से आयन थे? एच पॉजिटिव आयन। हमने उसमें क्या डाला? बेस डाला। बेस के अंदर कौन से आयन? OH नेगेटिव आयन। दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्या बन गया? H2O, वॉटर।
ठीक है, तो पहला चेंज क्या आया, द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल गेट डिक्रीज। दूसरा चेंज क्या आएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन विल गेट डिक्रीज, कंसेंट्रेशन भी एच पॉजिटिव आयन की कम हो जाएगी। थर्ड चेंज, एसिड की स्ट्रेंथ के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल डिक्रीज, एसिड की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ कम होगी तो उसका पीएच इंक्रीज हो जाएगा, पीएच ऑफ एसिड विल इंक्रीज, एसिड का पीएच इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चार चेंजेस आएंगे जब हम स्मॉल अमाउंट में बेस डालेंगे एसिड के अंदर। तो ये तीन जो क्वेश्चंस थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो क्या चेंज आएगा, किन किन चीजों पर, नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन पर, कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन पर, ठीक है, पीएच पर, और एसिड की स्ट्रेंथ पर। ये सब चारों के चारों चेंजेस आप याद रखो। इसी तरह से जब हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तब क्या चेंज आएगा, नंबर ऑफ ओएच नेगेटिव आयन पर, कंसेंट्रेशन पर, पीएच पर, स्ट्रेंथ ऑफ बेस पर। इसी तरह से व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू एसिड तब क्या चेंज आएगा, वो हम लर्न रखेंगे, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में, जो 20 मार्क्स के स्टार्टिंग में आते हैं। तो हमने इस तरह से आज कई सारे टॉपिक किए। आज का जो टॉपिक है था वो पूरी तरह से रीजनिंग बेस्ड था, ठीक है। जो भी टफ क्वेश्चन जो आएगा एसिड बेस वाले टॉपिक से वो इसी टॉपिक से आएगा जो आज आपने किया, ठीक है। अगर आपको वीडियो दोबारा देखनी है दोबारा से देख लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा, वो आज का जो टॉपिक है उसी के ऊपर बेस्ड आएगा। यही चीजें रहेंगी, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी जिसको आप जो है ध्यान से समझेंगे, और ये जो टॉपिक है वो इस हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जिनका टारगेट 90+ मार्क्स है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं टॉपर बच्चों में, एवरेज बच्चों में, एंड बिलो एवरेज में, ठीक है। पेपर में जो है 40 नंबर लाना 100 में से 40 नंबर लाना आसान है, कोई भी बच्चा जो आराम से जो है एक महीना पढ़ के भी नंबर ला सकता है, लेकिन उसके बाद जो है हर एक नंबर के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मान लो आपका टारगेट 90% से ऊपर मार्क्स का है, या 100% मार्क्स का भी टारगेट कई बच्चों का होता है, तो उन्हें अपनी स्टडी बिल्कुल कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, वो कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। ये जो टॉपिक था वो पूरी तरह से होर्स क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था, टफ टॉपिक था, ठीक है। जिसको इस टॉपिक में डाउट है वो अपने डाउट पूछ सकता है, लेकिन इस टॉपिक की हर चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 4th क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 2। आज का जो टॉपिक है वो है एसिड बेस इंडिकेटर्स। मतलब क्या है, अगर आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब दे दी, ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, तीनों में लिक्विड सब्सटेंस है बिल्कुल पानी जैसा ट्रांसपेरेंट, एक में एसिड है, एक में बेस है, एक में वाटर है, आप कैसे पता करेंगे कि ये चीज एसिड है, ये बेस है, और ये न्यूट्रल सब्सटेंस है यानी वाटर है। ये तो है नहीं कि आप हर एक को चेक करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे, जो सोर है वो एसिड, क्या पता स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, नुकसान दे सकता है, या अपनी उंगली डाल के देखेंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते हम, अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। हमें कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जो ये बता सके कि ये सब्सटेंस एसिड है, ये बेस है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो ये एक तरह से इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सा बेस है, उनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज की सुन लेना ध्यान से, और सुनकर ही आपको याद रखनी है। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस which shows the presence of acid or base in any solution, ठीक है। अब तीन तरह के एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स, दीज आर द मटेरियल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है, उनको हम नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। और इसमें जो सबसे फेमस है वो है लिटमस। लिटमस क्या होता है, एक एक प्लांट है जिसका नाम है लाइकेन, L-I-C-H-E-N। लाइकेन जो है एक प्लांट है,
विच बिलोंग्स टू थैलोफाइटा डिवीजन। आपके नाइन्थ में चैप्टर था डाइवर्सिटी, उसमें प्लांट की क्लासिफिकेशन थी। तो जो सबसे सिंपल टाइप के प्लांट थे उसके डिवीजन को हम थैलोफाइटा कहते थे, ठीक है। तो लाइकेन जो है वो एक प्लांट है, और इससे जो जूस निकलता है, उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसका कलर पर्पल होता है, ठीक है। प्लांट का नाम क्या बताया मैंने, लाइकेन, और उसके एक्सट्रैक्ट, उसके जूस का कलर कैसा है, पर्पल। अब हमें पता है कि पर्पल कलर दो कलर से मिलकर बना है, रेड एंड ब्लू, ठीक है। यही लिटमस सॉल्यूशन है जिसका कलर कैसा होता है, पर्पल। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन का रंग ब्लू या रेड होता होगा, लेकिन इसका रंग कैसा होता है, पर्पल। पर्पल कलर से दो अलग अलग कलर बना दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक रेड कलर और एक ब्लू कलर। अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। इससे लिटमस पेपर कैसे बनाए जाते हैं, सिंपल फिल्टर पेपर लिया और उसको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डाल दिया, क्या बन गया, ब्लू लिटमस पेपर। इसी तरह से रेड लिटमस सॉल्यूशन लिया, फिल्टर पेपर को उसमें डिप किया, सुखा दिया, क्या बन गया, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो इस तरह से लिटमस जो है वो बनाया जाता है, और इसके दो कलर हो गए, रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ठीक है। लिटमस के बारे में आपको पता चल गया। इसी तरह से टर्मरिक, हल्दी जो है वो भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे कपड़ों के ऊपर हल्दी लग जाती है, ठीक है। आपकी व्हाइट शर्ट है बिल्कुल, उसके ऊपर हल्दी लग गई, मम्मी बहुत गुस्सा करती है, ठीक है। और जब उसको धोते हैं तो जो उसका एक तरह से येलो कलर है वो चेंज होकर ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हल्दी जो है वो एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, और जब हम उसके ऊपर सोप लगाएंगे, सोप आर बेसिक इन नेचर, तो उसका कलर, हल्दी का कलर येलो से चेंज होकर ऑरेंज या रेडिश हो जाएगा। इस तरह के मेटेरियल को हम एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। तो मैंने दो एग्जांपल आपके सामने बताए, एक लिटमस, दूसरा टर्मरिक। इसी तरह से रोज पेटल, लाल कलर की एक तरह से रोज की पेटल्स होती हैं, और उनका कलर जो है वो भी चेंज हो जाता है एसिड या बेस डालने पर, ठीक है। अलग अलग टाइप का कलर हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिले हैं। इसके अपोजिट सिंथेटिक जो है वो कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर, जो मैन मेड है, जो हमने लैब में बनाए हैं। और उसके दो एग्जांपल हैं, बिल्कुल याद रखना। पहला एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। ये आपको मालूम भी है कि आपने नाइन्थ में एक्सपेरिमेंट किया था ऑनियन पील वाला, उसमें जो ऑरेंज कलर की डाई आपने डाली थी वो मिथाइल ऑरेंज थी, ठीक है। तो ये एक एसिड बेस इंडिकेटर है। और दूसरा एग्जांपल है इसका फिनोप्तलिन, ठीक है। फिनोप्तलिन भी एक एसिड बेस इंडिकेटर है, लिक्विड सब्सटेंस होता है। तो ये दो सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर है, और थर्ड जो है वो है ओल्फैक्टरी एसिड बेस इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, ये वो एसिड बेस इंडिकेटर है जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब हम इनमें एसिड या बेस डालते हैं। जैसे वनीला, वनीला क्या होता है, कुछ बच्चों को वनीला का नाम आते हैं, वनीला आइसक्रीम ध्यान आएगी। वनीला एक्चुअल में एक टाइप का फ्लेवर है, ठीक है। वनीला इज सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, सबसे ज्यादा जो है महंगी स्पाइस है, ठीक है। नंबर वन पर हमारा अपना देसी केसर, सैफरन जिसको कहते हैं, वो सबसे महंगा स्पाइस है। नंबर दो पर वनीला, बहुत अच्छी स्मेल होती है। वनीला को सिर्फ स्मेल के लिए डालते हैं, ध्यान रखना इसमें कलर या टेस्ट नहीं होता, स्मेल बड़ी अच्छी होती है इसकी, ठीक है। और इसकी ये स्मेल गायब हो जाती है किस चीज के अंदर, बेस के अंदर। जैसे ही हम वनीला के अंदर कुछ बेस वाली चीज डालेंगे, कड़वी चीज कोई भी डालेंगे, खीरे का रस डाल दिया, कुछ भी करेले का रस डाल दिया, तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाए एसिड या बेस के अंदर, उनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल क्लोव ऑयल, क्लोव भी आपको पता है, लौंग जिसको कहते हैं, बड़ी तेज स्मेल होती है इसकी, इसकी भी स्मेल चेंज हो जाएगी एसिड या बेस डालने पर। दूसरा एग्जांपल मैंने बताया वेनिला, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल ऑनियन जूस, ठीक है। ये तीन जो है, दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हुज स्मेल गेट चेंज व्हेन एसिड और बेसिस आर एडेड टू देम। एक नंबर में ये जो है एक, 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 एक
ये टॉपिक है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो आपके एमसीक्यू आएंगे उसमें इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोक्टिलिन इन बेस। तो इसलिए जो है ये टॉपिक एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपका फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए और जो भी इसमें कलर चेंज आएंगे, स्मेल चेंज आएगी, वो आप लर्न रखेंगे।